दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस समय हम आए हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली में आए हैं दर्शन पार्क घूमने। चलिए आज हम आप लोग को वहाँ का दिखाती हूँ कि क्या क्या अंदर है, क्या क्या नहीं है। तो कंटिन्यू मेरी वीडियो आप बने रहिए, और चलिए मैं आपको अंदर का कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ पास देख लीजिए, हम यहाँ पास दर्शन पार्क आए हुए हैं। देखिए यहाँ का सब कुछ। यहाँ पे सोलर प्लांट लगा है। ये पूरे जो बनाए गए हैं टायर्स बनाए गए। ये देखो प्राची हमारे सर्वे कर रही है, क्या बन कहा से बनाया गया प्राची? तो देख रहे हैं यहाँ पास जो भी बना हुआ है, तो देखिए ना। टच मत करो, टच मत करो। तो ये हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पास क्या क्या है। आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है, कैसे बनाया है। चलिए टायर रिंग्स लगाए गए, साइकिल टायर्स लगाए गए, गियर्स लगाए गए, एंगल्स और पाइप्स लगाए गए इसको। ये इंडिया गेट पे दिया गया है। तो यहाँ पास देख रहे हैं इसका। तो ये सब जो है ना साइकिल के टायर के बनाए हुए हैं। यहाँ पास देख लीजिए, खास करिए आप देख लीजिए सब कुछ। ये कितना सुंदर गार्डन वार्डन बना हुआ है, कितना अच्छा शानदार यहाँ का लुक दिया गया है, और बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है, बहुत अच्छी देखने की जगह है। आइए आप लोग देखिए यहाँ। और टिकट है, हम आप लोग को बताए दे रहे हैं कि शनिवार रविवार को टिकट लगता है एक व्यक्ति की 150 रुपये, और अगर बच्चे हैं तो उनको लगेगा 75। तो इसीलिए बाकी के दिन आइए आप लोग अगर, तो टिकट थोड़ा कम लगेगा। बाकी के दिन 50 रुपये सुबह का, शाम का 100 रुपये है। तो ये जहाँ पास जैसे पेड़ का दिख रहा आप लोगों का वृक्ष, वैसे भी इधर साइड बनाया गया गैस चूल्हा। तो इधर शानदार, ये भी बहुत अच्छा बना है, बैठने का है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो आराम से धूप रहे तो बैठते बैठते आराम से मस्ती करते चला जाए। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कृपया फूल पौधे ना तोड़ें, ठीक? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे ख्याल से हवा महल है, और हवा महल तो है ही है। ये देखिए हवा महल है, और हवा महल को इस तरह यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पास देख लीजिए आप लोग, कितना शानदार बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लुक दिया गया है इसका। ये हवा महल है। ये भी बहुत अच्छा शानदार बना हुआ है यहाँ पास। तो ये गोल गुल्लम क्या लिखा, साइकिल का पैडल है वो, ट्रेन वाला।
तो आज यहाँ पास कोई बहुत बड़े नेता वगैरह या कोई आने वाले हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा यहाँ व्यवस्था भी और ज़्यादा कड़ी चल रही है। बस बैठने की जगह, यहाँ पास कोई नेता व अभिनेत्रा आने वाले हैं तो उन्हीं की तैयारी लगता। चल यहाँ मैट है, मैट को कितना सुंदर मतलब शेर का आकार दिया गया है, कितना सुंदर शेर बना हुआ है बताइए, कितना सुंदर अच्छा लग। वाह तो वाह वाह वाह, मैं थोड़ा सा इसके हाथ मुंह में डाल भी लेती हूँ। तो इस समय हम लोग काफ़ी धूप में चल चल के ब्लॉग बन रहा है भाई, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कमेंट करने में और लाइक शेयर करने में। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए आप लोग। भोजन के बर्तन ज़्यादा दिखा रहे हैं। और यहाँ पास तो आप देख रहे हैं कि हमारे ख्याल से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला जो है ये वैसे एक घंटा जैसे खड़ा हुआ है। फ्लावर्स यहाँ के हमको बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है कि काश एक फ्लावर्स में उठा के ले जाते। अच्छा तो यहाँ पास जो पानी है ना इतना ठंडा है, और याद आ गई हम लोग की रीवा की, और यहाँ पी के बहुत ज़्यादा आनंद लगा। यहाँ की कुर्सियाँ तो बहुत रंगीन हैं और बहुत शानदार है कुर्सियाँ, तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के आनंद ही क्यों न ले लिया जाए। जो है तो रील्स बनाने में मदद कर रही मेरी, और मैं वीडियो बनाने में मदद कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए इस समय कैसे चल रही है, वो सुखा के लकड़ी हो गई बेचारी। तो
दोस्तों आप लोग का यहाँ का कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? जो दिल्ली का भारत दर्शन पार्क में बहुत ही शानदार है और बढ़िया भी है, अच्छा लुक भी है यहाँ का, सभी चीज़ अच्छा है। जो चीज़ मतलब जैसे हम लोग कबाड़ वाड़ में सब फेंक देते थे, टायर वायर या लोहा लंगर जो भी हो, गैस चूल्हा हो, कुछ भी, यहाँ सब चीज़ उपयोग में हो जाता है। और कितना सुंदर उसको डिजाइन दिया है कि हम क्या बताएं। तो आप हमारे वीडियो द्वारा अगर जो नहीं आए हैं तो देख सकते हैं, अगर देखने की इच्छा है तो यहाँ भी सकते हैं, दिल्ली कौन सा बहुत दूर है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर रविवार और शनिवार को तो मत ही आइए, थोड़ा चार्ज ज़्यादा है, अगर चार्ज करना हो तो काफ़ी दिनों में आ सकते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार। चलिए बाकी सब और जो भी बचा कुचा है तो दिखा देती हूँ, आज कैसा लग रहा है, कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। थोड़ा सा वैसे भी मैं कोई भी वीडियो में आ नहीं पा रही दोस्तों, क्या करूँ, इस समय सिर्फ मेरी आवाज़ें आ रही है। चलिए दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पास मैं आप लोग पहले दिखा दूँ कि है क्या चीज़। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पास जो ये बना हुआ है मंदिर का डिजाइन, वही आकार यहाँ पास बना हुआ है और यहाँ पास उसी को बना दिया गया है। देख लीजिए आप लोग शानदार, तो कितने अच्छे से बनाया गया है और कितना अच्छा लग रहा है कि अब देख ही रहे हैं आप लोग। और यहाँ बैठने की व्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, है? तो आज थोड़ा सा पब्लिक कम है, इसलिए कि आज पहली बार तो बताया आपको कि यहाँ कुछ होने वाला है, और उसके होने की ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ तो होने ही वाला है। ये मंदिर है द्वारकाधीश का, और यहाँ पास ये लुक जैसे मैंने आप लोग को दिखाया कि ये वाला, तो हर चीज़ का बहुत अच्छे से शानदार रूप दिया गया है। और ये देखिए हमारी बड़ी बेटी बेचारी घूमते घूमते चार पाँच दिन से सुखा गई है। तो यहाँ पास जो है तो ये ना सिर्फ भारत दर्शन पार्क लिखा हुआ है, और यहाँ रात में तो खासकर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, इसे कि लाइट वाइट का सब चीज़ हो जाता है ना चालू, तो थोड़ा सा रंगीन दिखने लगता है। अभी है हम लोग दिन में आए हैं, देखिए हम लोग की रात की ट्रेन थी इसीलिए हम लोग का दिन का आना हुआ था। तो ये देख लीजिए यहाँ पास भारत दर्शन पार्क लिखा था, मैंने दिखाया आपको, और सब ये जो है तो छड़, जो हम लोग के छत में छड़ हैं उसी छड़ से बनाए गए हैं। और यहाँ पास भी आप लोग देख लीजिए कितना शानदार है। और ये देख लीजिए यहाँ पास रामेश्वर मंदिर, और रामेश्वर मंदिर को इस तरह बनाया गया है यहाँ। तो ये जगतनाथपुरी है, यहाँ पास देख रहे हैं आप लोग जगतनाथपुरी, और इसको इस तरह करके बनाया गया है। और यहाँ पास देख लीजिए आप लोग की कितनी में बनाया गया, तो कैसा लगा आपको, शानदार है कि नहीं भारत दर्शन पार्क? यहाँ खाने उने की शायद कुछ व्यवस्था, में चल के देखती हूँ कि हाँ है कि नहीं। यहाँ पास भी देख लीजिए इसको इस तरह बनाया गया है, और यहाँ पास जो है तो दर्शाया गया है। टच ना करिए,
अंकिता अच्छा लग रहा? अंकिता अच्छा लगा? मजा आया? बोल ही नहीं रही डांस, मजा आ गया? चलो बड़ी प्राची हमारा वहाँ स्वाति वहाँ पास खड़ी हुई है, थोड़ा सा पढ़ाई उढ़ाई कर रही है कि क्या लिखा हुआ है। तो कितना अच्छा शानदार लुक दिया गया है, कितना अच्छा, वाओ। चलिए मैं इसका नाम देखती हूँ क्या है। सांची। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पास छोटे बच्चों जैसे पार्क बनाया गया है देखने के लिए, और कितना शानदार है, बैठने की व्यवस्था है, और ये देख लो पेड़ ओड़ वगैरह है, और देख लीजिए सब टायर के बने हुए हैं हर चीज़। मतलब जो भी यहाँ बनाई गई है तो सब चीज़ जो बेफालतू पर लोग फेंक देते हैं उसी को यूज किया गया है, और कितना अच्छा यूज किया गया है कि आज लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये साइकिल का रिम है जिसे बनाया गया है, और ये देखिए यही देखिए स्कूटी स्कूटर बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौना है। चलो नहीं है चलो रहा। मम्मी जो है झूले का आनंद ले रही है, थोड़ा तेज झुलाओ। अंदर तक आई हो तो ज्यादा, तो ऐसे भी मुझे झूला पसंद नहीं है, लेकिन इतने मुझे की मार डाली थी कोई लड़का ना मेरे को, तो आज ही है देखिए अपने मम्मी को झुला रहा है, तो नहीं ज्यादा तेज, मेरे को तो ज्यादा गिरा दिया था लगता है, आज ये ब्लॉग बंद करवा देता मेरा ये लड़का। तो एक दो चीज़ ऐसी है जैसे मैंने आपको ये दिखाई, एक और था इसमें, तो वहाँ पास नो एंट्री लिखी है, किसी वजह से वो बंद है, पता नहीं किस वजह से वो बंद है।
विक्टोरिया है पैलेस, यहाँ पास देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ उसी को ये यहाँ पास बना दिया गया है। कितना शानदार बनाया गया है। हैप्पी रथ, हैप्पी रथ, हम्पी रथ, हम्पी रथ है ना। हमारी मैं हैप्पी रथ ग्रीन बहुत ही ज्यादा होनी है, दवाई डालने वाला अगर साइन वाइन कराना नहीं लग तो रहा। नींबू पुदीना ताजमहल कितना शानदार पानी निकला है। कितना शानदार बना हुआ है। चलिए मैं इसका नाम दिखाती हूँ कि है क्या। इसका नाम है मशहूर पैलेस। ये है मशहूर पैलेस और यहाँ पास रथ में बैठे हुए हैं। तो जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे में बोल दी थी, जिसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कुछ जगह नो एंट्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर से उस साइड से गेट बंद था, वो खुला था, जो जहाँ मैं आ गई देख रही हूँ। तो यहाँ पास कोई नो एंट्री नहीं थी, तो मुझे लगा पहले कि दूसरे साइड से आ रही थी, नो एंट्री है। यहाँ हाथी का सूंड है, हाथी बना हुआ है, कितना शानदार है।
ये मंदिर का जो देख रहे हैं उसके बारे में आप लोग को यहाँ दिखाएं, खजुराहो मंदिर है। कौन पहचान रहा है?